अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग जो है ये अगस्त के मिड के 2 वीक्स का है, मतलब मिक्सअप है 2 वीक्स का। तो इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो गिव मी अ बिग थम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मैकोनी। तो ये जो है सॉसेस है, उसके बाद हमारे पास पास्ता भाई मैकोनी एंड स्पेगेटी मसाला, चाइनीज सॉल्ट और ये कुछ छोटी टेबल्स हैं। तो इधर से हमको कट कर लेते हैं और बाकी अपना काम जो है निपटा लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल्स को कट कर लिया था, मैक्रोनी को बॉयल कर लिया। मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ का ऐड इसलिए करी क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। यहाँ पे जो है मैं मसाला भून रही थी और मैं आपको कंप्लीट रेसिपी बिल्कुल नहीं बताने वाली क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दो बार अपनी चैनल पे जो है रेसिपी ऐड कर चुकी हूँ और मैं हर बार जो है न्यू स्टाइल से बनाती हूँ। तो मेरा कोई एक स्टाइल नहीं है बनाने के लिए और मेरी कुकिंग को कोई भी जज मत कीजिएगा क्योंकि हर इंसान का अपना अलग एक वे होता है कुकिंग करने का और मेरा भी अलग है। यहाँ पे जो है मेरी मैक्रोनी जो है बहुत यम्मी से रेडी हो चुकी थी और लास्ट में मैंने इसमें ग्रीन अनियन ऐड किया था क्योंकि मुझे वो ग्रीन अनियन जो है वो मुझे थोड़ा सा कंची पसंद है। और यहाँ पे हमने रात के लिए रोटी बनाई थी और मैक्रोनी बनी थी तो रोटी किसी ने खानी थी, हमने साथ में सिर्फ कबाब फ्राई कर लिए थे। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है यहाँ से, क्यों मैंने स्कूल के लिए जाना था और मैं जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो गई थी और मैं पहुँच चुकी थी अपने स्कूल। और स्कूल में इस टाइम सिर्फ एक या दो बच्चे ही आए हुए थे, मॉर्निंग का टाइम था तो वो बच्चे थोड़े लेट ही आते हैं। और फिर हमारे स्कूल में एक न्यू एडमिशन हुआ था हमारी क्लास में, तो उसके लिए हमने वेलकम बैंड बनाया था। तो जल्दी से मैंने बस ये ऐसे ही एक वेलकम बैंड बना लिया था और फिर हमारे छुट्टी का टाइम हुआ जाता है और यहाँ पर जो हम अपनी चीज़ें वगैरह समेट रहे थे। देन ये स्कूल से वापसी में अपने सिस्टर के घर गई थी और जाते हुए जो है मैंने समोसे वगैरह ले लिए थे क्योंकि मुझे भूख बहुत शदीद लग रही थी और मेरे सर में भी जो है बहुत शदीद वाला दर्द हो रहा था क्योंकि बच्चे पूरा दिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द करते थे। तो मैंने जल्दी से गोलियाँ खाई, उसके बाद मैंने और मेरे यहाँ पे के बच्चों ने जो है हम लोगों ने मूवी देखी, साथ में फ्रूट इंजॉय किए। और ये जो है मेरे यहाँ पे के हस्बैंड ने पिज़्ज़ा भेजा था और मतलब लेकर आए थे वो, और साथ में हमने हलीम इंजॉय किया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं अपने आप ही घर रुक गई थी तो सुबह उठते ही मेरे आप ही के बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि आज मेरे जो दूध बना दें उसमें रूह अफ्जा ऐड कर दें। तो मैंने जल्दी से दूध बना के रूह अफ्जा डाल के उसको दिया और फिर जल्दी से जो है हम लोगों ने शावर वगैरह ले लिया, फ्रेश हुए क्योंकि हमने अपने घर वापस आना था, मतलब मैंने अपने घर वापस आना था। तो जल्दी से फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद जो है हम लोग किचन में पहुँचे, हमने जल्दी से नाश्ता बनाया, मतलब मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने नाश्ता बनाया। यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर नाश्ता बना रही थी और मैं जस्ट खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। तो जल्दी से उन्होंने नाश्ता वगैरह खाया, उसके बाद ये भाई रात में दूध लाए भी लेकर आए थे जो मैंने रात में थोड़ी सी रख दी थी। हमने जल्दी से ये भी खाई और जल्दी से काम ख़त्म किए और फिर जो हम निकल चुके अपने घर के लिए। अपने घर का सुकून अलग ही होता है, तो ये हम अपने यहाँ पे घर से निकल रहे थे और फिर हमने जो है वो ऑटो करवा लिया था। और ये वापसी आते हुए कुछ दिन हैं और हम जो है संडे वाले दिन आए थे और आप लोगों को पता होगा कि संडे के पास संडे वाले दिन अलग दिन के नियर एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, उसकी वजह से रोडों पर इतना ज़्यादा कोई रश था, ऐसा लगता था कि पूरा कराची उठ के यहाँ आ चुका है। और नेक्स्ट डे था 14 अगस्त, तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को है जो सुबह उठ के रेडी किया था, इसके हेयर जो है मैंने स्ट्रेट वगैरह किए थे और इसको और इसकी एक फ्रेंड को मैंने सुबह मॉर्निंग में उठते ही रेडी किया क्योंकि इन लोगों के स्कूल में फंक्शन था और मेरी सिस्टर ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और उसकी फ्रेंड ने भी उसके साथ ही जाना था। तो इन दोनों का मैंने अच्छा अच्छा छोटा सा बच्चा बनाया और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है रेडी हो चुकी है, उसके बाद फिर मैंने उसकी फ्रेंड की नेल पेंट वगैरह लगाई, उसको रेडी किया। यहाँ पे मेरी बहन थोड़ी शिशकियाँ मारते हैं और मेरी बहन जब अपने स्कूल जा पहुँची है क्योंकि इससे बिल्कुल भी वेट नहीं होता, उसने अपने स्कूल में जाना था और ये और उसकी उसकी फ्रेंड्स जिनके शशके कुछ ख़त्म नहीं होकर दे रहे थे। और फिर हम जब मेरी सिस्टर स्कूल से वापसी आ गई, हमने सारा का घर का सारा काम वगैरह कर लिया था, तो फिर हम लोग निकल गए थे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग गए थे PF म्यूज़ियम और रास्ते में इतना कोई रश था, इतना शदीद रश था कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे शहद में मक्खियाँ आ गई हों ऐसा कुछ लग रहा था। और यहाँ पर हम जो है इंजॉय करते हुए जा रहे थे PF म्यूज़ियम में, जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था
और मतलब बहुत से लोग, बहुत सी फैमिली जो है अपने बच्चों को लेकर इंजॉय करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पे जो हम लोग पहुँच चुके हैं बेबी म्यूज़ियम, और आप लोग देख सकते हैं पब्लिक। और बस अब हम जाके यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय। यहाँ पे मैं, मेरी आपी के बच्चे और हम लोग सारे सिबलिंग्स जो हैं पहुँच चुके हैं PF म्यूज़ियम में। और टिकट्स लेने के लिए तो भाई इतना वेट करना पड़ा हमें बाहर पार्किंग में ही, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी जैसे शायद आगे कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ आपको फ्री में मिले, यहाँ पे तो कोई अपना पसीना भी फ्री में नहीं देता। तो यहाँ पे मैं और मेरी आपकी बेटी, हम दोनों शिशकियाँ मारते हैं PF म्यूज़ियम में। और वेदर जो है वो इतना अच्छा हो गया था, इतना अच्छा हो रहा था कि हर आधे घंटे बाद, मतलब एक घंटे बाद हल्की हल्की से फवार पड़ जाती थी। उस वजह से इतना कोई हसीन वेदर होता। और 14 अगस्त, और जब आप अपनी फैमिली के साथ हो तो मज़ा जो है और ज़्यादा आ जाता है। और इवेंट भी था हर बार 14 अगस्त को PF म्यूज़ियम में कोई ना कोई फंक्शन होता है, बट इस बार नहीं था। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एरोप्लेन्स में, इनके जहाज उनकी लैंग्वेज में ऐसे उसके ऊपर चिपके हुए थे कि पता नहीं ये शायद इनको दोबारा कभी मिलना नहीं है, या ये उठा के अपने घर लेके जाना चाहते थे, बट यू नो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट क्या करें, बच्चे तो इसी में इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चे बच्चियाँ झूले वगैरह को छोड़ के जहाज़ों पर चिपकी हुई थी। और यहाँ पर आ जाता है फूड कोर्ट, और हमने यहाँ से लिया खाना क्योंकि हमें बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी। हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट 3:15 या 3:30 पे हम लोग पहुँचे थे। तो ये होता है हमारे लंच टाइम, क्योंकि हम लोग जो है वो घर में भी लंच थोड़ा लेट करते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और हमने घर से कुछ नहीं बनाया था कि चलो हम लोग बाहर से कुछ इंजॉय कर लेंगे। तो हमने सोचा कि वैसे तो यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग देसी फूड ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से जो हमने हलीम लिया था और नान लिए थे, बट एवरेज था हलीम का टेस्ट, ना कोई इतना अच्छा था ना कोई बुरा था, बस भूख मिटाने के काबिल था। मतलब ये कह सकते हैं कि आप उससे अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो ये अंकल जो हैं ये बड़े शशकियों से, इनको पता लग गया था कि वीडियो बनी, तो बड़े स्टाइल से ये हलीम डाल रहे थे। और हमने फिर यहाँ से हलीम रोटी ली और फिर उसको खाया। बहुत सारी पब्लिक थी जो मतलब बाहर से ही, मुझे लगता है कि पिट फेयर करती है कि जब वो बाहर आए तो बाहर से ही कुछ मतलब के खाना पीना करे, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करे। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है हम लोग हलीम और रोटी इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी आप के बच्चे जो हैं वो मतलब इनको फ्राइज़ या चिप्स ही खानी थी, तो हमने इनको फ्राइज़ लेके दे दी थी। और यहाँ पर मेरी आपी का बेटा जो है वो हमें बता रहा था कि आनी ये ऐसे खाते हैं, ये देखिए ये हमें बता रहा है कि इसको ऐसे खाना है। और ये हमें ललचा रहा था कि मैं आपको तो नहीं दे रहा क्योंकि हमने खानी थी हलीम रोटी और इसको खानी थी फ्राइज। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि पब्लिक का क्राउड इस झूले के लिए, मेरी भांजी ने या भतीजी व्हाटएवर जो भी कहते हैं, उसने मुझे इतना तंग किया कि मुझे झूले में बैठा इतना ना शादी। और फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे उनको इंजॉय करने दें, उनके टिकट्स वगैरह लिए, उनको हमने झूला में झूला दिया। उसके बाद मेरा जो छोटा वाला भाई है उसको इस कार में बैठना था, वो बैठा और मुझे भी बैठना था, बट मैं बैठ नहीं सकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यहाँ पे जो है वो बच्चे झूले को इंजॉय करते। उसके बाद मैं और मेरी बहन, सॉरी भाई जो है वो हम लोग झूले में पहुँच चुके हैं और हमने झूला इंजॉय किया। और फिर बस हम लोग जो है वो घर के लिए निकल पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। इसी के साथ रश हो चुका था और यहाँ पे इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, ये ऑलमोस्ट 8:30 का टाइम है और लोग अभी भी आ रहे थे। ब्रिज भी पूरा फुल था, ट्रैफिक भी दोनों तरफ से फुल जाम हो चुकी थी। खैर हम अपना ब्लॉग जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।